एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है ट्यूसडे। ये है मेरी बेटी श्री। ये आपको सुनाएगी गाना। गाना गा लो, गाना गा लो। मेक न्यू फ्रेंड्स। सबको पहले हाय बोलो। हाय हाय हाय। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। वेलकम। हैव अ नाइस डे बोलो। हैव अ नाइस डे। गुड गर्ल। और क्या खाई हो आज? क्या खाई हो? क्या खाई हो बोल दो सबको। क्या खाई हो? क्या खाई हो बोल दो। पोहा खाई हो? अच्छा, तुम तो बिस्किट खाई थी। बिस्किट खाई थी ना। ठीक है। और अभी 10 o'clock हो रहा है और अभी मैंने बाथ लेकर आया है। और मेरा ऑलमोस्ट सारा काम, मतलब लंच वगैरह बन चुका है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं, तो वही मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है मैंने, तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी और खाऊँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। मतलब पोहा का रेसिपी शायद मैंने पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो मेरा पहला वाला वीडियो में होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पोहा बनाने और खा के आप सुनती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा राई को ब्रक करने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद कड़ी पत्ता, कच्चा मतलब हरी मिर्च तो नहीं था मेरे पास, तो लाल मिर्च, रेड चिली और थोड़ा सा टमाटर, प्याज वगैरह सब कट करके दे दी। उसके बाद थोड़ा सा ये जो पत्ता गोभी और गाजर भी उसके साथ मिला दी, और उसको थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। मतलब फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे नमक और हल्दी मिला के। नमक हल्दी मैं यहाँ पे पोहा के हिसाब से डाल देती हूँ, क्योंकि पोहा में मुझे लगता है कि बाद में डालने से क्या होता है, उसके साथ नहीं मिलता है, तो इसी में मैं ऐड कर देती हूँ। तो उसके बाद पूरा लास्ट में जब पोहा डालती हूँ, बस इसको मिक्सअप कर देने से पोहा के साथ ये नमक भी चला जाता है, तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है, हल्दी भी वैसा ही रहता है, नहीं तो पोहा में कच्चा कच्चा हल्दी का स्मेल आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा फ्राई करके, कि पोहा को मैंने पहले ही भिगो के, मतलब धो के रख दिया था, भिगो के मतलब उसको रिंस करके रख दिया था, और वो भी अच्छा खासा फूल गया है, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दी। ये थोड़ा फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैं पीनट वगैरह ऐड कर दूँगी। पीनट, मुझे थोड़ा पीनट डालने से पोहा में अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसा भी थोड़ा स्वीट टेस्ट आता है पीनट में। यहाँ पे मैं टमाटो, 2 टमाटर ले ली थी, ये टमाटर काफ़ी खट्टा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, मतलब जैसे कि 1 पिंच के हिसाब से शुगर ऐड करूँगी यहाँ पे। बन गया मेरा पोहा, बस 5 मिनट का काम है, बहुत हेल्दी खाना बनता है ये, तो 5 मिनट में पोहा बन के रेडी हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ खाने। इसको प्लेट में निकाल दूंगी फिर खाने जाऊंगी। तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट। आई हैव सो मैंने फिनिश कर दिया है मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खत्म हो गया है, बहुत यम्मी था। ब्रेकफास्ट की रेसिपी तो मैं पहले से भी शेयर कर चुकी थी, तो फिर मैं सोची कि मैं आज काफ़ी सारा वेजिटेबल्स भी बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं फिर से मतलब उसको शूट की हूँ, कैप्चर तो की हूँ। तो कैसा है रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और ये बच्चे लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। और मेरा तो अभी मतलब सी को भी खिला रही थी, थोड़ा एक बार ली थी, मतलब उसका खाने को भी मन नहीं था, एक्चुअली उसका टाइम नहीं हुआ है खाने का, तो इसीलिए वो नहीं ली। फिर इसको जा रही हूँ अभी, मतलब थोड़ा सा उसको बना दूँगी, फिर उसके लिए थोड़ा ये बनाऊँगी, मैंने उनका मिक्सअप जो होता है वो बना लूँगी, उसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी आज, क्योंकि इसका रेसिपी मैं पहले कभी शेयर नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं आज शेयर करूँगी उसको। ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इतना टेस्टी है और इतना हेल्दी होता है यार, समर में ही काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे भी मस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और मतलब समर में इतना अच्छा लगता है ये सब, बहुत अच्छा लगता है कहने का नहीं।
अभी मैं चल रही हूँ उसको थोड़ा हाँ बाकी उसको भी नहा देती हूँ किसी को, उसके नहाने का टाइम हो गया 10:30 बज चुका है। तो ठीक है फिर मैं मिलती हूँ उसको, मतलब शेक बनाते वक्त आपके साथ मिलती हूँ। तो ये है श्री और ये नहा के अभी अभी आ गई है। सबको हेलो बोल दो मम्मा। हेलो। हेलो कैसे बोलते हैं? हाय हाय बोलो राइट हैंड में, राइट हैंड में, राइट हैंड में। हाँ गुड गर्ल। नहा के वो भी रेडी हो गई है, वो भी टी लगा दी है, इटी उसका बिंदी वगैरह लगा दी है और अभी वो मतलब मैं जा रही हूँ उसके लिए वो मस्किन शेक बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ भी वो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ अभी, तो देखते रहिए। तो मस्किन शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ मस्किन को, छोटा सा हाफ मस्किन को मैं कट करके रख दी हूँ क्यूबिकल शेप में। 1 टीस्पून के आसपास मैंने इधर पीनट बटर लिया है और उसको मैं चटनी जार में ऐसे ग्राइंड कर दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही ग्राइंड करना था तो मैं सोची कि इसको चटनी जार में ग्राइंड कर दूँ, फिर बाद में इसको एक क्विक मार दूंगी थोड़ा दूध मिला के। तो 100 ml के आसपास मैं दूध ली हूँ, ये मतलब बेबी को खाने के लिए मैं थोड़ा सा ही बनाई थी, तो बेबी का खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसको कुछ भी फ्रूट्स इसी टाइम देती हूँ 11 बजे के आसपास, कुछ भी फ्रूट हो या चाहे शेक टाइप कुछ हो तो उसको देती हूँ। ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, इसका फ्लेवर भी इतना आता है ना, क्रीमी फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया है मेरे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। एंड ये जो मस्किन का मिल्क शेक होता है आप अपने बच्चे लोग के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे भी ये एडल्ट के लिए भी अच्छा होता है, पर बच्चे लोग कोई कोई बच्चे लोग होते हैं मस्किन नहीं खाते हैं, कोई कोई दूध नहीं पीते हैं, तो उसके साथ पीनट बटर ऐड कर देने से आपको मतलब प्रोटीन भी मिल जाएगा और विटामिन और कैल्शियम वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये थोड़ा सा मतलब मीठा ना लगे तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हो, पर मैं भी शुगर ज़्यादा लेना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, बेबी को भी मैं ज़्यादा से शुगर नहीं देती हूँ, तो इसीलिए मैं शुगर ऐड नहीं की, नहीं तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने से इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, पर मैं थोड़ा शुगर कंट्रोल कर रही हूँ तो इसीलिए मैं शुगर नहीं दे रही हूँ बेबी को भी। मैं मतलब शुगर उसको देती हूँ कभी कभी दिन में से, जैसे कि सूजी के साथ देती हूँ और ऐसे इस टाइप चीज़ें मैं देती हूँ, नहीं तो जूस वगैरह फ्रूट्स में शुगर है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं नहीं देती हूँ ज़्यादा सा। तो मैं इसके साथ मेरे वीडियो एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी आपको मेरे